हेलो सक दोस्तों तो यार क्या हाल है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई इमोशंस क्या होते हैं ठीक है थीके? अब अगर हम थ्योरी पे ना जाएं इतनी बड़ी थ्योरी ना पढ़ें और सिंपल अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं इमोशन इमोशंस की तो देर इज़ जस्ट अवर फीलिंग ऑफ एंगर सैडनेस हैप्पीनेस एक्साइटमेंट सरप्राइज़ ठीक है ये सिर्फ हमारी emotions, हमारी फीलिंग्स होती हैं जो कि शॉर्ट uh, टर्म होती हैं जो कि ब्रीफ होती है जिन जो, जिन्हें हम एपिसोड कहते हैं ठीक है काफ़ी मतलब एपिसोड होती हैं काफ़ी ब्रीफ होती हैं और इस आ, ये जो है हमारी डिसीशन मेकिंग पे अफेक्ट कर रही होती है इमोशंस ठीक है हमारे इमोशंस हमारी फीलिंग जो है हमारी डिसीशन मेकिंग पे अफेक्ट कर रही होती है अगर आप हम इनको थ्योरेटिकली पढ़ें इनकी बड़ी बड़ी डेफिनेशन पढ़ें तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी लिखा हुआ है कि इमोशंस और साइकोलॉजिकल बिहेवियल एंड सॉरी That is not psychological. That is physiological. Take it, uh, bodily, take it, bodily, behavioral, and psychological episode experience toward an object, person, or event that creates a state of readiness. The episode are very brief events that typically subside or occurs in wave, lasting from milliseconds to a few seconds. Okay, काफी brief होते emotions, or from milliseconds to like a few seconds. ठीक है आप इमोशन हम इस चीज़ को भी कहते हैं अगर मैं इसको एक एक, एक आ, इसकी आपको एक एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल आपको अगर नई गाड़ी मिलती है या आप नई गाड़ी जीतते हो तो आप नई गाड़ी को देखकर क्या फील करोगे आप एक्साइटेड फील करोगे आप खुशी फील करोगे खुशी महसूस करोगे ठीक है लेकिन वही गाड़ी जब आप एक दिन दो तीन तीन दिन तीन, तीन, तीन दिन गुजर जाए हो सकता है कि एक दिन गुजर जाए आप आ, तो आपको आपकी जो हैप्पीनेस है वो उतनी नहीं रहेगी जितनी वो पहले थी ठीक सो इमोशंस जो है वो ब्रीफ होते हैं ठीक है काफ़ी मतलब छोटे पीरियड के लिए होते हैं शॉर्ट टर्म होते हैं ठीक है अब इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है ठीक है तो इमोशनल इंटेलिजेंस एक एबिलिटी होती है जिसमें आप अपना अपने इमोशन को अंडरस्टैंड कर सकते हो ठीक है हम अपने इमोशन को अपने इमोशन से अवेयर हो सकते हो ठीक है अपने इमोशन को मैनेज कर सकते हो और दूसरे के इमोशन को समझ सकते हो और दूसरे के इमोशंस को मैनेज कर सकते हो ठीक है अगर ये चार चीज़ें हैं आपके अंदर तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो ठीक है अब हम बात करेंगे कि भाई इमोशंस और मूड में क्या फ़र्क होता है ठीक है जैसा कि मैंने इस वीडियो का टाइटल दिया इमोशंस एंड मूड एक्सप्लेंड इन उर्दू ठीक है सो इमोशंस जो होते हैं वो बेसिकली ब्रीफ होते हैं जबकि मूड जो है वो लॉन्ग टर्म होते हैं ठीक है फॉर एग्जांपल आप कभी देखा होगा कि ऑफ़िस में कोई बंदा आता है उसको बोलता है कि भाई मेरा आज मूड ख़राब है ठीक है मूड खराब है यानी कि मैं अब अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ ठीक है सो so, मूड जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है यानी कि उसको पूरा दिन मूड ख़राब रहता है सुबह को कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से फिर पूरा दिन मूड ख़राब रहता है ठीक है सो so, इसके अलावा अगर दूसरी डिफ्रेंसेस में देखें तो इमोशंस में टाइप्स होती हैं ठीक है थीके? जैसे एंगर फीलिंग सॉरी एंगर हैप्पीनेस एक्साइटमेंट सरप्राइज ठीक है फिर फेयरनेस या अम्यूज याड ठीक है सो इमोशंस में इस तरह की मतलब टाइप्स होती हैं ठीक है जबकि मूड्स दो तरह के होते हैं तो या तो पॉजिटिव या नेगेटिव ठीक है अगर नेगेटिव है मूड बंदे का तो समझो कि उसका दिन खराब गया है ठीक है और ना ही समझो कि अब उससे बात कम करनी है ठीक है उसको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बोलना जिससे उसको गुस्सा आ जाए ठीक है तो ये भी एक हम मूड में और इमोशंस में डिफरेंस कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने इमोशन इंटेलिजेंस मूड को भी समझ लिया कि मूड्स क्या होते हैं ठीक है इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है अब तो हम स्लाइड पर आ जाते हैं ठीक है थीके? और अब हम हमारे पास टाइप ऑफ टाइप ऑफ इमोशन्ट इज एंगर हैप्पीनेस एंड स्ट्रेस ए इमोशन ठीक uh, है अनहेप्पीस ग्लूमी दैट दैट इज ऑल द टाइप ऑफ इमोशंस ठीक है अब ये इमोशंस हमारी फीलिंग्स और हम जो सोचते हैं ये हेल्प करती है हमें डिसीजन को मेक करने में ठीक है एमोशंस एंड डिसीजन मेकिंग हम किस तरह होती है ठीक है इन्वामेंट से हमें डेटा मिलता है ठीक है फिर वर्क इनवा वर्क इवेंट्स जो डेली के असल्स या डेली के अपलिफ्ट जो होते हैं ठीक है थीके? अब डेली के असल्स और डेली के अपलिफ्ट पे जो है हमारा अगर हमारे मूड पर, पर हमारी पर्सनैलिटी पर अगर अच्छा अफेक्ट जाएगा सो वेल एंड गुड अगर बुरा अफेक्ट जाता है दैन आगे कौन से उसके फिर आ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशन रिएक्शंस होते हैं ठीक है इमोशनल रिएक्शंस होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि वेदर वी आर सेटिसफाइड फ्रॉम आवर जॉब और नॉट ठीक है अगर इमोशनल रिएक्शन पॉजिटिव होंगे दैट मीन वी आर जॉब वी आर वी वील बी परफॉर्मिंग वेरी मच एंड एज वेल एज वी आर सेटिसफाइड फ्रॉम आवर जॉब ठीक है अब इमोशनल डिसोनेंस अब दिस इज द इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द इमोशंस पीपल फील्स इमोशंस दैट पीपल फील्स एंड द इमोशंस दे प्रोजेक्ट ठीक है अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अंदर से बिल्कुल सैड हूँ ठीक है लेकिन मैं दिखा सबको रहा हूँ कि भाई मैं हैप्पी हूँ मैं खुश हूँ हंस रहा हूँ लेकिन अंदर से मैं बिल्कुल सैड हूँ और बिल्कुल लोनली फील कर रहा हूँ ठीक है तो देट मीन वट आई एम डूइंग इज आई एम डूइंग इमोशनल डिस ठीक है मैं कुछ दिख मैं अंदर कुछ हो रहे हैं लेकिन बाहर कुछ और दिखा रहा हूँ ठीक है सो दैट इज इमोशनल डिस डिसोनेस जो कि इनकन्सिस्टेंसी होती है कि क्या तुम फील करियो सॉरी फील क्या तुम फील कर रहे हो वर्सेस क्या तुम दिखा रहे हो क्या तुम प्रोजेक्ट कर रहे हो ठीक है अब दूसरा इमोशनल लेबर अब क्या होता है कि बाज़ दो का जैसे एयर होस्टर्स होती हैं उनका वर्क ये होता है कि भाई वो सबको स्माइल करें चाहे फिर भले उनका दिन कितना ही खराब गया हो या फिर वो अपनी हस्बैंड uh, से या बॉयफ्रेंड से लड़के आई हों लेकिन उनको स्माइल करनी होती है कस्टमर्स को ठीक है so, सो यानी कि अब वो लोग मतलब हैप्पी नहीं है खुश नहीं है अंदर से उनको बहुत ही गुस्सा आ रहा है लेकिन वो बाहर वही वाला बिहेवियर अपना रही है जो कि डिज़ायर्ड है ठीक है जो इस जो जॉब के लिए डिज़ायर्ड बिहेवियर है वो उस बिहेवियर को अपना रही हैं सो देट मीन्स दे आर इमोशनल लेबर ठीक है अचुएशन विन विच एन एम्प्लॉयी एक्सप्रेस ऑर्गेनाइजेशनली डिजायर्ड इमोशंस जूरिंग इंटरपर्सनल ट्रांजेक्शन एट वर्क ठीक है इमोशनल इंटेलिजेंस पर हमने बात की कि आप जब भी आप अपने इमोशन से अवेयर होते हो आप अपने इमोशन को मैनेज कर सकते हो आप दूसरों के इमोशन से अवेयर होते हो और आप दूसरों के इमोशंस को मैनेज कर सकते हो कंट्रोल कर सकते हो ठीक हैट मीन्स दैट यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट ठीक है अब हम बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस हर हर की, की, की हाई और लोस क्या होते हैं ठीक है अगर आपने अपने इमोशन जान लिया उनके मैनेज कर लिया और मंड कर लिया तो मतलब कि आपने मतलब आप थो, थोड़ा थोड़ा बहुत ऊपर जा रहे हो ठीक है थोड़ा मतलब इंटेलिजेंस के लेवल में ऊपर जा रहे हो अगर मैं इसको ऑन द स्केल ऑफ टेन रखूँ तो मतलब कि आप फाइव तक पहुँच गए हो ठीक है लेकिन फिर आप दूसरों के इमोशंस भी समझ सकते हो ठीक है कि वो बंदा क्या फील कर रहा है और फिर आप उनको मैनेज भी कर सकते हो अगर वो एंग्री है तो आप उनको शांत कर सकते हो सो दैट मीन्स दैट यू आर ओन दी टेन आउट ऑफ टेन स्किल ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस ठीक है अब हम यहाँ पर आके तो हमारी स्लाइड्स खत्म हो गई लेकिन हम आगे जान सकते हैं कि भाई इसके बाद आती है डीप एक्टिंग अब इसमें क्या होता है कि बंदा जो है अपने मूड को मॉडिफ मोडिफाई करता है एज अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन जिस अब जी अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें सब रो रहे हैं लेकिन उसको रोना बिल्कुल भी नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी वो अपने आपके मूड को मतलब अपने आपके इमोशंस को मोडिफाई कर लेगा और वो झूठ मूठ क्या रो लेगा ठीक है सो दैट इज़ डीप एक्टिंग पीरियड डिस्प्ले रूल्स एक्सटेंड टू विच यू आर अलाउड टू डिस्प्ले इमोशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट लॉयल्टी टू ऑर्गेनाइजेशन अब डिस्प्ले रूल्स यानी कि यहाँ पर यह हो जाता है कि आप कित मतलब किस एक्सटेंट तक किस हद तक जो है अपने इमोशंस शो कर सकते हो ठीक है यहाँ पर एक मे बी मे बी किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये रूल हो कि भाई आप इस हद तक अपने इमोशन शो कर सकते हो इसके बाद नहीं ठीक है सो दैट इज़ डिस्प्ले रूल फिर रेशनल कमिटमेंट फीलिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन विल टेक केयर ऑफ योर ऑफ यू टेक केयर ऑफ़ यू फाइनेंशियली ठीक है यहाँ पर रेशनल में बंदा तब होता है जब उसके पास ये फीलिंग होती है कि ऑर्गेनाइजेशन मेरे बुरे हालातों में अगर मेरे पास बुरे फाइनेंशियल हालात हो गए फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरी हेल्प करेगी है हमारा इमोशनल कमिटमेंट ठीक है नाउ दैट इज़ द फीलिंग दैट वॉट डज़ इज इम्पोर्टेंट फॉर अदर्स कि मैं क्या कर रहा हूँ और वो किन किन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है ठीक है अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे लोगों मतलब मेरे जो कॉलिग्स हैं उनके लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है देट मीन दैट आई इमोशनली अटैच टू माई ऑर्गेनाइजेशन और टू माई डिपार्टमेंट ठीक है फिर आता है हमारी ऑर्गेनाइज एम्प्लॉई इंगेजमेंट यानी कि कितना एम्प्लॉई परफॉर्म कर रहा है कितना इंगेज हो रहा है एक्टिविटी में कितना आ, जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है ठीक है फिर आता है विड्रॉल बिहेवियर अब इसमें एक एम्प्लॉई जो है वो काफ़ी कम पार्टिसिपेट करता है यानी कि जो आ, टास्क होते हैं उसके वो टास्क को फुली परफॉर्म नहीं करता डेड लाइन को मीट नहीं कर पाता है लेट आता है ठीक है दैट इज़ देट इज़ दी विड्रॉल बिहेवियर कि वो एम्प्लॉई जो है वो विड्रॉल बिहेवियर अपना रहा है फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप अब जिसमें इसमें एक एम्प्लॉई अगर एक एम्प्लॉई का ऑर्गेनाइजेशन सिटीजन कहेंगे सो दैट मींस के उससे जितना टास्क दिया गया है वो उसे डबल करके दिखाता है यानी कि आउट क्लास परफॉर्मेंस करता है और काफ़ी अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट लेकर आता है सो दैट पर्सन इज़ दी ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजन ठीक है यानी कि उसको ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप का समझें क्या रिवॉर्ड मिल जाता है ठीक है या नाम मिल जाता है तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे